चिल्ड्रंस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। सो मैं आप अमन आपका रीजनिंग टीचर कैलेंडर के टॉपिक पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे और कैलेंडर को बेसिक से लेके हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा वही बात कि आप कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करो, सबसे पहले आप बेसिक्स को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स अच्छे से नहीं आएगा तो आप सवाल को अच्छे से बना नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ सवाल बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स सबसे पहले, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कैलेंडर, आपको पता ही है कि जो हम लोग कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। अब देखो यहाँ पे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें मंथ होता है। सर कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31st डे का होता है, फरवरी 28 का होता है, 29 का। सर 29 का कब होता है? जब लीप ईयर होता है। मार्च 31st का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, ठीक है। फिर ईयर, ठीक है। तो देखो तीन ईयर होगा, पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर और तीसरा सेंचुरी ईयर। उसके बाद वीक, तो वीक कितना होगा? तो ध्यान से देखोगे तो पूरे के पूरे, चाहे नॉर्मल ईयर हो और चाहे लीप ईयर हो, कितना वीक होगा? 52 वीक होगा। और एक वीक में 7 डेज होगा। आपको पता ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका कैलेंडर है, इसको आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप नॉर्मल ईयर को कैसे पहचानोगे, तो आप सीधा बोलोगे सर नॉर्मल ईयर में जो डेज होता है वो 365 होता है, यस या नो? यस सर। लीप ईयर में कितना डेज होता है? लीप ईयर में कितना डेज होता है? सर 366 डेज होता है, ठीक है। सर एक एग्जांपल बताओ नॉर्मल ईयर का, जैसे 2014। सर एक एग्जांपल बताओ लीप ईयर का, एक मिनट, लीप ईयर का एग्जांपल, ठीक है। तो लीप ईयर का एग्जांपल 2004, है ना? यस सर, ठीक है। उसके बाद अगर एक नॉर्मल ईयर में अगर आप बात करोगे तो फैब जो होगा वो 28 का होगा, और अगर फैब 29 का हो रहा है, इसका मतलब वो जो साल है वो क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मतलब जो 100 का मल्टीपल होता है, जैसे 1900, ठीक है, 2000, 1700, ठीक है, 1600 एंड सो ऑन, सही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये जो मंथ है जो 31 का है, 30 का है, 28 का है, 29 का है, कैसे बताओगे? अभी तो लिखा हुआ है तो आप बताओगे, एक आप ऐसे बताते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना वो ट्रिक को, आप अगर आप देख लोगे ना तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 30 का ऐसा 4 महीना है, ठीक है। कौन कौन सा? ये देखो अप्रैल, ठीक है, इसके बाद में ये जून, ठीक है, इसके बाद में सितंबर और ये नवंबर। ये जो 4 महीना होता है वो होता है 30 का, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे? आपने एक मूवी देखा है साजन, ठीक है, साजन, एस सितंबर, ए अप्रैल, जे जून, एन नवंबर, ठीक है। ये जो साजन वाला मंथ होगा वो 30 का होगा, ठीक है। फिर बात कर लो फैब का। सर फैब जो है वो यूनिक है अपने में, ठीक है। फैब क्या है? यूनिक है। कैसे?
वो या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा, और बाकी का जो मंथ है रेस्ट मंथ वो 31 का होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑड डेज का, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है ऑड डेज, क्योंकि कैलेंडर में ऑड डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? ऑड डेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, और अगर आप उस डेज को 7 से डिवाइड करते हो और उसका जो रिमाइंडर होता है वही होता है मेरा ऑड डेज। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं 365 में, यानी कि एक नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होगा ये बताओ आप। ठीक है, ठीक है, तो जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 का होता है ना? यस yes. तो जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है। तो सर लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा? 2 ऑड डेज होगा। ठीक है, जब आप लीप ईयर में कितना नंबर ऑफ डेज होता है? 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप? 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसी के साथ मंथ में भी ऑड डेज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जनवरी का, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना ऑड डेज होगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे ऑड डेज लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑड डेज जनवरी में। तो 31 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 4 20 8, रिमाइंडर 3। ठीक है, फेब में अगर 28 होगा तो 0 ऑड डेज, अगर 29 होगा तो 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। इसका मतलब जो 31 का होगा उसमें 3 ऑड डेज होगा, जो 30 का होगा उसमें 2 ऑड डेज होगा, और अगर जो 28 का होगा, मतलब फेब 28 का है, ठीक है ना, तो उसमें 0 ऑड डेज होगा। सही है, चलो आगे। अब ये ऑड डेज क्या है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, बेसिक से हम लोग पूरा आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने अभी बताया आपको कि टाइप ऑफ ईयर, तो उसमें नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर का बात था। ठीक है, नॉर्मल ईयर आप समझ ही जाओगे कि नॉर्मल ईयर कौन सा ईयर होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता है, या जिसमें फेब जो होता है वो 28 का होता है, 29 का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करोगे लीप ईयर का तो आप दिख रहा है, जैसे देखो 2004, 2008, 2012, 16, 1996, जो भी होगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर इन सभी को आप फोर, इन सभी को, ये जो ईयर है इसके लास्ट 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये सब का सब 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो सब का सब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। मैं वापस बोल रहा हूं कि किसी भी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो आप क्या करो, जो ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ो और 4 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ तो 2017 क्या लीप ईयर है, 2018 क्या लीप ईयर है, 2020 क्या लीप ईयर है, 2024 क्या लीप ईयर है, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, 17 24 18 28, क्या ये सब लीप ईयर है?
कैसे पहचानोगे? कुछ नहीं करना है, इन सबको आपको क्या करना है कि इन सबके ईयर के लास्ट टू डिजिट को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर, नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। ठीक है, क्या 74 से डिवाइड होगा? नो सर, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर का मतलब इसमें जो फैब है सर वो 28 का होगा। क्या 18 4 से डिवाइड होगा? नो सर, इसका मतलब ये भी नॉर्मल ईयर है और इसमें भी जो फैब है वो 28 का ही होगा। ठीक है, क्या 2020 क्या लीप ईयर है? यस, ये 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और लीप ईयर का मतलब कि जो फैब है वो 29 का है। क्या 24 4 से डिवाइड होगा? हाँ सर, ऑफ कोर्स होगा। तो ये भी क्या है, लीप ईयर है, और इसमें भी जो फैब है वो 29 का है। क्या 24? हाँ सर, ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है, 18 28 ये भी लीप ईयर होगा। यस सर, इसका मतलब इन सभी में जो फैब है वो 29 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो आगे का पीछे का कि कौन से ईयर में फैब 28 का रहा होगा, 29 का रहा होगा। मतलब जैसे मैं बोलूं कि 1729 इसमें फैब 28 का होगा या 29 का होगा, तो आप चेक करोगे कि जो 1729 है तो 29 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब फैब जो होगा वो 28 का होगा। ठीक है, चलो लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर में आते हैं। देखो, सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर आता है, कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला कि एक मिनट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1800, क्या ये सेंचुरी ईयर है? तो आप कैसे पहचानोगे कि सेंचुरी ईयर है या नहीं है? तो आप देखो कि जो ईयर है क्या उसके लास्ट में 2 0 या 3 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा। ठीक है, तो ये सेंचुरी ईयर तो है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। इसके लिए मुझे अब 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करूंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 का मल्टीपल पे बात हो रहा है। ठीक है, तब आप जब ईयर सिंपल होता है, ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड करते हो, लेकिन यही अगर मल्टीपल में होता है तो आप 400 से डिवाइड करते हो। तो क्या 1800 400 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है ना, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब इसमें भी जो फैब आया होगा वो 28 का ही आया होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, 2020, ठीक है, क्या ये 400 से डिवाइड होगा? हाँ सर, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लीप ईयर होगा, और इसमें जो फैब है वो 29 का होगा। क्या 2400 सेंचुरी ईयर के साथ लीप ईयर है? ऑफ कोर्स, ये 400 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें जो फैब है वो 29 का ही होगा। ठीक है, क्या 1600 लीप ईयर है? यस सर, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, क्या 3600 सेंचुरी ईयर के साथ लीप ईयर है? यस सर, ठीक है, क्योंकि ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होता है वो सेंचुरी ईयर के साथ लीप ईयर होता है। ठीक है, अब चलो आगे, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ लीप ईयर पे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑर्डर ऑफ लीप ईयर का मतलब, मैंने अगर आपसे पूछूंगा कि लीप ईयर का ऑर्डर क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर, हर 4 साल में आता है, जैसे यहाँ पे 4 फिर 8 12 16 20 24, ठीक है, 28 32 36 ऐसे चलेगा। क्या ये हमेशा ही ऑर्डर में आएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं बात करूं कि 1896 क्या ये लीप ईयर है? कैसे चेक करोगे? इसके लास्ट टू डिजिट को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो सर 96 तो 4 से डिवाइड होगा, तो सर यस,
ये लीप ईयर है, ये क्या है बच्चा, लीप ईयर है, ठीक है। अब इस लीप ईयर से आप जैसे ही चार साल आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, 1900, क्या आएगा, 1900। अब 1900 जो है वो सेंचुरी ईयर है, कैसे, क्योंकि उसके लास्ट में दो जीरो है, तो अब इसको 4 से नहीं 400 से चेक करोगे, तो क्या ये लीप ईयर है? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहां पे जो चार चार का गैप करने के साथ, देखो यहां पे चार का गैप, फिर यहां पे चार का गैप, फिर यहां पे चार का गैप जो आ रहा था, यहां पे तो फॉलो हुआ ही नहीं, ठीक है। इससे चार साल और आगे बढ़ो तो क्या आएगा, 1904। क्या ये सेंचुरी ईयर, क्या ये लीप ईयर होगा? हाँ, ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट का जो दो डिजिट है वो चार से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर चार साल के बाद में लीप ईयर आ जाए, ठीक है। ऐसा कब? ऐसा तब होगा जब बीच में जो सेंचुरी ईयर आ रहा है वो 400 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और, जैसे अगर मैं बात करूं 1996 का, सपोज, क्या ये लीप ईयर है? आप बोलोगे यस सर, ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। अब इस लीप ईयर से आप चार साल आगे जाओ तो क्या आएगा, 2000 आएगा। 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे, सर ये भी लीप ईयर है, ये भी क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 400 जो है वो, जो 400 का मल्टीपल ही तो है 2000, ठीक है ना। फिर इससे चार साल आगे जाओ तो क्या आएगा, 204। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या ये भी लीप ईयर है? यस सर, ये भी लीप ईयर है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ लीप ईयर होता है, बस आपको वो चेक करना है कि अगर बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा है तो क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो चार साल का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। बट अगर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर चार साल चेंज होके 8 में आएगा, ठीक है, सही है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो 8 साल में लीप ईयर हो सकता है, ठीक है। कब? जब सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड ना हो। और अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये चार साल का गैप जो है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। चलो आगे, क्योंकि बेसिक्स करना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। हम लोग कोई भी कोड बोर्ड याद नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे, सही है, ओके। अब वो टाइम आ गया है कि ऑड डेज क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने एक कैलेंडर लिया है, ठीक है, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा पूरा। जैसे मैं बोलूं यहां पे कि ये इस 19 को देख रहे हो आप, बोलोगे हाँ सर देख रहे हो। मैं कहूंगा कि जो ये 19 डेज में कितना और डेज आएगा, ठीक है, इस 19 डेज में कितना और डेज आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले ध्यान से देखोगे और डेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं अभी, आपको ध्यान से देखना है कि और डेज का मतलब होता क्या, ठीक है। देखिए और डेज, और डेज, और डेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, और इसका जो रिमाइंडर होगा वही मेरा क्या होगा, ऑड डेज होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप 19 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे इस 19 दिन में 5 ऑड डेज है। अब ये ऑड डेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक 19 दिन, अब लोगे यस सर। तो 1 से लेके 7 तक, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 से लेके 7 तक
पहला वीक हो गया, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 7 days हो गया। यस सर। फिर 8 से लेके 14 तक 2 weeks हो गया। यस सर। कितना डेज हो गया? 14 डेज हो गया, है ना। लेकिन 15 से लेके अगर मैं 19 तक जाऊं, क्या ये 7 का मल्टीपल हो रहा है और क्या ये कंप्लीट वीक हो रहा है? ना सर, ये कंप्लीट वीक नहीं हो रहा है। यहां पर सिर्फ 5 ही दिन बच रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 दिन ही बच रहा है। तो होता क्या है ऑड डेज का मतलब, आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वो दिन वापिस से रिपीट होना है। जैसे जैसे मंडे को 1 तारीख है, 7 दिन बाद 8 को मंडे, 7 दिन बाद 25 को मंडे, 7 दिन बाद 22 को मंडे, 7 दिन बाद 29 को मंडे, ठीक है। तो ऑड डेज का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि 7 का मल्टीपल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो ऑड डेज होता है, जो कि बाकी दिन से ज्यादा टाइम रिपीट करता है। कैसे? अगर इस 19 तारीख तक जाओगे तो देखोगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो है वो सैटरडे और संडे से ज्यादा रिपीट हुआ है। सैटरडे और संडे 2 times रिपीट हुआ है, है ना। लेकिन मंडे 3, ट्यूसडे 3, वेंसडे 3, थर्सडे 3 और फ्राइडे 3। इसका मतलब ऑड डेज क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही तो ऑड डेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ डेज होता है उसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और जो मेरा रिमाइंडर आता है वही मेरा क्या होता है? ऑड डेज होता है, ठीक है। चलो आगे, आई होप आपको बात ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ डेज लिखा है और आपको बताना है कि इसमें कितना ऑड डेज होगा, ठीक है। सपोज जैसे यह लिखा हुआ है 10, ठीक है। 10 को आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? बहुत इजी है सर। 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 15 को आप 7 से रिमाइंडर 15 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, है ना। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि इसमें कोई ऑड डेज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। बराबर रिपीट होगा, है ना। जैसे एक वीक में एक एक दिन एक बार रिपीट हुआ, 2 weeks में 2-2 बार रिपीट हुआ, 3 weeks में 3-3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। 29 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, यहाँ पे एक ऑड डेज आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये ऑड डेज है, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ऑड डेज, ठीक है। ये क्या है? ऑड डेज है, ऑड डेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो लिख रहा हूं वो ऑड डेज है, ठीक है। 30 में कितना ऑड डेज हो, क्या करोगे आप? 7 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर 2। 31 में 3, 365 में, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कोई भी बड़ा नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, जैसे सपोज 365, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है। क्या करोगे आप इसको? मन में करो कि सर अगर मुझे रिमाइंडर ही निकालना है तो मैं इससे बड़ा नंबर पहले से ही माइनस कर देता हूं, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो 365 में से अगर मैं 350 माइनस कर दूं, क्योंकि 7 का मल्टीपल है ना, तो कितना बचेगा सर? 365 में से 50 चला गया तो 15 बचा, है ना। अब ये मेरे लिए आसान हो गया। 15 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1। 366, अब देखो 366 में से 350 माइनस करोगे तो 16, इसका मतलब 2 रिमाइंडर। अब जैसे देखो ये 963 है, क्या है? 963, इसको आपको 7 से डिवाइड करना। तो मनी मन में 963 में 7 का मैक्सिमम मल्टीपल जो आपको लगता है माइनस कर दो, तो क्या आप माइनस करोगे सर? 700 माइनस कर दो, क्योंकि हमें रिमाइंडर ही तो चाहिए। तो क्या बचा? इससे माइनस करने पे बच गया 263। सर 263 में भी से अपने मन से आप क्या कर लो, 210 माइनस कर दो, क्या बच गया? 53, है ना। अब देखो ये छोटा हो गया, 53 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 49, है ना। 7 7 49, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मनी मन सॉल्व कर लोगे तो आप
आराम से आप अपना आंसर ला सकते हो। जैसे ये 1024 है, ठीक है, क्या ये 1024, ठीक है। तो 1024 को अगर 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर चाहिए, तो देखो 1024 में 700 चला गया, ठीक है, कितना बचा सर, 1024 में 700 चला गया, अब बच गया आपके पास में 324, ठीक है ना, 324 में से आप क्या करो कि 280 मनी मन माइनस करो, ठीक है, क्या कर लो, मनी मन माइनस कर दो, ठीक है। तो 300 में से 200 चला गया, कितना बच गया आपके पास में सर, 20 और 24, ये आपका हो गया 44। 44 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 42, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखोगे कि 858, तो देखो 840 डिवाइड होता है तो कितना बच गया, 18, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर हो गया, 7 7 7 2 14, यहाँ पे ये, ठीक है, 7 7 2 7 7 0 तो कट जाता है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 840 में 0, क्यों, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। 495 में कितना बचेगा बताओ सर, 5, है ना, ठीक है, अब बोलोगे यस सर, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार रिमाइंडर पॉजिटिव में लो, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे ये 19 है, ठीक है, मुझे इसमें बताना है कि इस 19 में कितना ऑड डेज होगा, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है कि आप मुझवानी कर लोगे, एक रिमाइंडर या तो पॉजिटिव में लोगे तो 5, और एक रिमाइंडर आप चाहे तो नेगेटिव में ले सकते हो। तो नेगेटिव में क्या लोगे, अब 19 से बड़ा नंबर 7 का मल्टीपल क्या होता है, क्या कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यही तो हो गया ना, नेगेटिव रिमाइंडर का पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको 3 टाइम्स लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 21, ये माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ गया, -2, तो यहाँ पे रिमाइंडर -2। लेकिन कभी भी आपने -2 में आंसर दिया है, मतलब रिमाइंडर आपने -2 में दिया है, नो सर मैंने नहीं दिया। तो जब भी आप -2 बोलोगे ना, तो क्या करोगे आप, 7 में से उस नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। सर क्यों आपने बताया कि आप नेगेटिव रिमाइंडर ही लो, क्योंकि कभी कभी बड़ा नंबर के पास में जाना आपके लिए आसान होता है, ठीक है। कभी कभी पॉजिटिव रिमाइंडर आप निकाल लोगे, कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लोगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग कोई भी कोड वोड याद नहीं करेंगे, सिर्फ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको 7 का जो डिविजिटी रूल है, यानी कि आप ऑड डेज निकालना, डिवाइड करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वीक, क्या वीक में कोई ऑड डेज होता है, आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला कि बता तो 4 वीक में कितना ऑड डेज होगा, ठीक है, 4 वीक में कितना ऑड डेज होगा, आप बोलोगे सर 0, क्यों, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, 1 वीक में 7 डेज होता है, और अगर आप 4 वीक से बारे बात कर रहे हो सर, तो आप इंटू 4 करोगे, फिर आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो सर ये तो कट ही जाना है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना है। अब 12 मैं बोला कि अच्छा बताओ 12 वीक्स में कितना ऑड डेज होगा, ठीक है ना, 12 वीक्स में कितना ऑड डेज होगा, क्या करोगे आप सर, 1 वीक में 7 डेज इंटू 12 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, और इसको आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो भी क्या आ जाएगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि 7 का मल्टीपल ही है, वीक जो होता है वो 7 का मल्टीपल ही तो होता है, यस सर, तो वीक में कोई भी ऑड डेज नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ो आगे, अब जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है, टुडे इज संडे, व्हाट डेज आफ्टर 15 डेज एंड बिफोर 15 डेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। एक जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले आप क्या करो कि इसका ऑड डेज निकाल लो, ठीक है ना, तो बताओ ध्यान से एक बार कि 15 का ऑड डेज कितना होगा, तो आप 7 से डिवाइड करोगे, आपको करना ही नहीं है, आपको पता है +1 आएगा, ठीक है। जब आफ्टर का बारे में बात करोगे तो प्लस कर दोगे, और जब बिफोर के बारे में बात करोगे तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कैसे, मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं, पहले आंसर लो, सो टुडे इज संडे, व्हाट डेज आफ्टर 15 डेज, तो देखो अगर आज संडे है, आज से 7 दिन बाद भी संडे हो गए, उसके 7 दिन बाद भी संडे होगा, तो 14 दिन हो गया, और 1 दिन और बचा, यानी कि ये जो आफ्टर वाला है,
ये जो आफ्टर वाला है, आफ्टर में क्या करोगे, जो आज का दिन है संडे, उसमें जो ऑड डेज आ रहा है वो प्लस कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो संडे में एक दिन ऐड कर लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, मंडे। और जो बिफोर वाला है, क्या है बच्चा, बिफोर वाला, ठीक है, बिफोर वाला, बिफोर वाला में जो दिन दिया हुआ है उसमें से जो ऑड डेज आ रहा है वो माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। तो संडे में से आप एक दिन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, क्या आ जाएगा बच्चा, सैटरडे, ठीक है, क्लियर है सर। कैसे, अब देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझो, आज संडे है, ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद भी संडे ही होगा और उसके 7 दिन बाद भी संडे होगा, ठीक है ना। तो 15 में 7 7 तो आपने ले लिया, एक दिन आप और ही जाओगे आगे, वन डे और जाओगे, ठीक है, तो वन डे में क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, है ना। ये तो था आफ्टर वाला, अब बिफोर वाला देखो। बिफोर वाला में अगर आज संडे है, ठीक है, तो आज से 7 दिन पहले भी क्या रहा होगा, संडे रहा होगा, और उस संडे से 7 दिन पहले भी क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। तो आपने कितना डेज कवर किया, सर मैंने 14 डेज कवर किया, कितना और करना है, सर एक और करना है। तो संडे से जब आप एक और करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे, ठीक है, क्या आ जाएगा, सैटरडे, तो ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अभी कितना भी कुछ दे दे, ठीक है ना, जैसे मैं वही बोल दूं कि टुडे इज संडे, व्हाट डेज आफ्टर 840 डेज एंड बिफोर 840 डेज। अब आपको पता ही है कि सर ये तो जीरो होगा रिमाइंडर इसका, है ना, जीरो, है ना। अब जीरो प्लस और माइनस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि 842, अब इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, सर 2 आ रहा है। अगर आफ्टर बोलोगे तो प्लस कर देना, बिफोर बोलोगे तो माइनस कर देना। तो ऐसे जितना भी नंबर ऑफ डेज दे दे, ठीक है, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, सिर्फ ऑड डेज निकालना है। अगर आफ्टर बोलेगा तो प्लस कर देना, बिफोर बोलेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ध्यान से लीप ईयर, क्या कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर के बारे में पता ही है कि 4 4 साल में आता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल पूछूं आपसे कि 5 साल में कितना लीप ईयर होगा तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल सा बात है, एक होगा। लेकिन क्या एक होगा, क्या ये सही है, क्या मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सर है, एक्सेप्शन तो है। कैसे, जैसे आप ध्यान से देखोगे कि मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला 2003 to 2008, है ना, इसके बीच में भी 5 साल का डिफरेंस है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे तो 2 लीप ईयर आ रहा है, कौन कौन सा, 4 और 8, ठीक है, तो एक्सेप्शन में ज्यादा होगा ही होगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ तो 10 साल में कितना लीप ईयर रहेगा, तो जनरल टर्म्स में तो आप 2 ही बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे आप जनरल टर्म्स में, 2 ही बोलोगे, है ना, 1 4 1 4 8 हो जाएगा सर। लेकिन यहां पे भी तो एक एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो, मैं अगर 2003 से अगर 2013 पे जाता हूं तो यहां भी 10 साल का पीरियड है ना, यस सर। लेकिन क्या यहां पे 2 लीप ईयर आ रहा, ना सर, यहां पे तो 2 से ज्यादा आ रहा, कौन कौन सा, 1 4 आ रहा है, 1 8 आ रहा है और 1 12 आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे तो 3 लीप ईयर आ गया। तो एक्सेप्शन ऑलवेज होगा, ठीक है, लेकिन जनरल टर्म में तो आप ऐसे ही बोलोगे सर 2 होगा। वैसे ही 15 में कितना होगा, 3, 25 में 6, 30 में 7, उससे ज्यादा हो सकता है, एक्सेप्शन तो उससे ज्यादा होगा ही होगा। 100, ये बहुत जरूरी है कि 100 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, 100 साल में कितना लीप ईयर होगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोलोगे सर कि 100 साल में कितना लीप ईयर होगा, ठीक है, 100 साल में तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है, 100 साल में आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और बोलोगे सर 25 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कि 25 लीप ईयर हो गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है।
आपको इसमें से एक माइनस करना होगा और आंसर देना होगा 24। सर आपने एक माइनस क्यों किया? तो देखो और बताते, ध्यान से देखना, ये जो 100 साल स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 100 साल स्टार्ट हो रहा होगा, ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा? सर पहले पहले क्या हुआ होगा आप बता सकते हो? यस सर बता सकता हूं कि सर पहले एक साल हुआ होगा, दो साल हुआ होगा, ऐसे करते करते चार, ठीक है, ऐसे करते करते आठ, बारह, सोलह, ठीक है, करते करते ये 96 और फिर ये आगे 100, यही गया होगा। यस या नो? तो इसमें आप देख रहे हो कि पहला लीप ईयर चार है, फिर आठ है, फिर बारह है, सोलह है, ऐसे करते करते 96 तक गया होगा, है ना। 96 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपको यहाँ पे 24 मिलता है। लेकिन अब जैसे ही 96 से 4 साल आगे जाते हो तो 100 आता है, और आपको बता दूं कि जो 100 है उसमें दो जीरो है ना। यस सर। और अगर 100 में दो जीरो है तब ये 4 से नहीं, 400 से डिवाइड होगा। और क्या 100 400 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर नहीं होता है, इसीलिए इस 25 में से मैंने एक को माइनस किया, क्योंकि जो एक है वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर जो है यहाँ पे वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए 24। 200 में देखोगे तो सेम क्या करोगे, आप बोलोगे सर कि मुझे क्या करना होगा, 50 में से 2 को माइनस करना होगा तो 48 लाना होगा। क्यों? क्योंकि 200 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। यस सर। लेकिन 50 तो सही नहीं है, 50 में तो दो लीप ईयर है ना, दो सेंचुरी ईयर है ना, कौन कौन सा, 100 और 200। और क्या ये दोनों सेंचुरी ईयर लीप ईयर है? नहीं सर, ये 400 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, ठीक है, सीधा डिवाइड होना चाहिए। तो क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं सर। तो ये दो माइनस करोगे। वैसे जब अगर आप 300 देखोगे तो क्या करोगे, आप 75 में से क्या करोगे, 3 को माइनस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 72। अब इस 400 पे आओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है 400 पे, ठीक है, 400 पे आओगे तो अगर आप 400 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 100। लेकिन इस 100 में से आपको क्या करना होगा, 3 को माइनस करना होगा, ठीक है, 3 को माइनस करना होगा और आंसर लाना होगा 97। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे करके ये जो 400 साल आया होगा, पहले एक आया होगा, दो आया होगा, चार, आठ, फिर ऐसे 100 बना होगा, ठीक है ना, फिर 200 बना होगा, ठीक है ना, फिर 300 बना होगा, ठीक है, फिर 301, ठीक है, 320, ऐसे करते करते 400 तक गया होगा, ठीक है, गया होगा। इस 400 में 100 सेंचुरी ईयर नहीं है, 200 भी सेंचुरी ईयर नहीं है, मतलब 100 सेंचुरी ईयर तो है बट लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 तो लीप ईयर है और सेंचुरी ईयर भी है। क्यों? क्योंकि 400 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो सर ये तो डिवाइड होगा, इसका मतलब सिर्फ 3 ही कैंसिल होगा ना, एक 100 वाला, एक 200 वाला और एक 300 वाला, इसीलिए क्या किया मैंने, 100 में से 3 को माइनस किया, 97। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 साल में कितना लीप ईयर होगा, 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में 97 लीप ईयर होगा, ठीक है, चलो आगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाकी लोगों को शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है, और हमें आगे बढ़ाओ, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हमने 400 तक किया था, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो 500 है, 600 है, 700, 8, 9, इतना करना है, ठीक है, कैसे करोगे? तो अब आप एक बात बताओ कि क्या आप इसको 4 से डिवाइड करोगे फिर चेक करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इस 500 को आप दो ईयर में ब्रेक करो, पहला वो जो कि 400 का मल्टीपल होगा। तो अगर ये 500 को आप देख रहे हो तो ये 400
खुद ही होगा और एक एक्स्ट्रा 100 होगा। यस 400 में कितना लीप ईयर होता है पता ही है आपको, 97 होता है, और 100 में कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो यहां पे लीप ईयर कितना आ गया 97 + 24, ठीक है ना। ओके इस 600 में बात करोगे तो देखो इस 600 में भी यही होगा ना, 400 + 200 ब्रेक करोगे, ठीक है। तो 400 में 97 और 200 में कितना 48 है ना। फिर इस 700 में आओगे, 700 में क्या करोगे आप सर, 400 यानी 97 प्लस 300 यानी कि 72 करोगे, ठीक है। 800 देखो जो 800 होता है वो 400 का डबल होता है, तो इसमें भी क्या करोगे 97 को डबल कर देना या 97 प्लस 97 कर देना, ठीक है। 900 को क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक करोगे, क्या सर 400 करेंगे, नहीं इस 900 में 400 का मल्टीपल क्लोज कौन सा है सर 800 है, तो 800 में कितना लीप ईयर होता है सर, ये होता है 97 × 2 है ना, और ये प्लस का 100 बच गया, 100 में कितना लीप ईयर होता है 24, ठीक है। इस 1000 में क्या करोगे, सेम करेंगे सर, इसके पास में 800 है तो 97 × 2 और 200 एक्स्ट्रा, तो 200 के लिए कितना 48, तो यहाँ पे 48 करोगे, ठीक है। इस 1100 में आप ध्यान से देखोगे कि ये इसमें 800 है ना, तो 800 के लिए क्या करोगे 97 × 2 करोगे, और कितना एक्स्ट्रा सेंचुरियर 3 मतलब 300 के लिए क्या करोगे 72। अब बोले मैंने 1200 में कितना लीप ईयर होगा, ठीक है। अब 1200 का 400 का तो मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है 3 मल्टीपल है, तो 400 में कितना लीप ईयर होता है 97, तो 1200 में कितना होगा 97 × 2 3 कर दो, या तो 97 + 97 + 97 करो, या तो 97 × 3 कर दो, क्या कर दो इंटू 3 कर दो। अब जैसे देखो ये बड़ा नंबर है, ठीक है, आपको पता है, अब आपको आ गया होगा 2200, ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे आप, इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ठीक है, पहला वो जो 400 का मल्टीपल होना चाहिए और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बच जाए, ठीक है। तो 2000 जो होता है वो 400 का 5 मल्टीपल होता है, तो 400 में 97 तो 5 में कितना, तो 2000 में कितना होगा, तो 97 × 5, और 200 साल में कितना लीप ईयर होता है, तो आपको पता ही है 48 होता है, ठीक है। ये करके प्लस करके आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। ओके मिलते हैं हम लोग कैलेंडर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके